अब यहां पे आप चोला मंडलम फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो यहां पे बजाज फाइनेंस का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है सेवन टाइम्स पे चल रहा है जबकि आप चोला मंडलम फाइनेंस का प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 5.65 टाइम्स पे चल रहा है तो इन दोनों में जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उसमें डिफरेंस क्या है वो आप समझिए सबसे पहली चीज यहां देखने को मिलती है प्रॉफिट ग्रोथ बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट टेन ईयर्स का हम देखते हैं तो करीब थर्टी थर्टी के बीच में आपको दिखाई देगा एंड जबकि चोला मंडलम का आप देखते हैं तो ट्वेंटी ट्वेंटी के बीच में दिखाई देगा तो यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बजाज फाइनेंस की ज्यादा अच्छी है सेकंड रीजन जो नेट एनपी ग्रॉस एनपी है चोला मंडलम के comparison में बजाज फाइनेंस के काफी है बजाज फाइनेंस का तो यहां मेजरली डिफरेंस यही नजर आता है पर यहां चोला मंडलम को आप ये मान के चलिए अभी री रेटिंग मार्केट कर रहा है एंड बजाज फाइनेंस के आसपास वैल्यू कब लेके आएगा जब लेके आएगा, ले आएगा जब इनके भी नेट एनपीट के आसपास होंगे एंड ग्रोथ रेट यहां से और बढ़ने